स्वागत है आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। मैं संगीता आप सभी का स्वागत करती हूँ। जल्दी से कनेक्ट हो जाइए ताकि हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करें। सभी लोग बेटा जल्दी से आ जाओ। जल्दी से आ जाओ बेटा। चलिए जल्दी से सभी लोग आ जाइए। ओके एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। लाइक एंड शेयर। ओके सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और सितंबर का जो भी ऑफर आपके सामने मैं रोज बताती हूँ कि आपको कॉम्बो खरीदने पर 12 महीने का एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है, बैंक SSC। अगर आप 2 साल का कोर्स खरीदते हैं, 1 साल का कोर्स खरीदते हैं तो 6 महीने का कोर्स फ्री मिल रहा है। तो ये सारे ऑफर आप कल, एक लास्ट डेट है परसों, उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ इसको जल्दी से जल्दी ले लीजिए। और SSC कॉम्बैट फिर संडे आने ही वाला है थोड़े समय बाद, तो प्लीज़ 50 मिनट में 40 क्वेश्चन करने को मिलता है, 1 करोड़ तक स्कॉलरशिप जीतने को मिलता है हर संडे 12 बजे। कोई चार्जेस, कोई फीस नहीं, सिर्फ आपको मेरा कोड अप्लाई करना है। सिर्फ मेरा क्या करना है, कोड अप्लाई करना है संगीता। इस कोड को अप्लाई कर दीजिए और आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा और आप यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जब भी कोर्स खरीदते हैं सितंबर का ऑफर लगाने के बाद, फिर आप कोड अप्लाई करिए। कोड अप्लाई करके आपको 10% का बिल्कुल ऑफ मिलेगा। क्या मिलेगा? 10% का बिल्कुल ऑफ मिलेगा। एक मिनट चार्जर में लगा दूँ। ठीक है, जल्दी से आप लोग ध्यान से प्लीज़ जल्दी से जल्दी कोर्स को परचेज कर लीजिए और बिल्कुल फ़ायदा उठाइए, लुत्फ़ उठाइए अनअकैडमी के क्लासेस का। ओके संगीता कोड अप्लाई करना है, संगीता कोड अप्लाई करना है। ओके आपको 10% का बिल्कुल ऑफ मिलेगा। बाकी टेलीग्राम चैनल है आपका GS बाय संगीता मैम अनअकैडमी। ओके चलिए आ जाए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मुझे कमेंट्स, नेट का थोड़ा इशू लग रहा है आज। चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? जल्दी से बताइए।
श्यामू जी का बी आया है श्रीगुप्त। आइए, बिल्कुल सही आंसर है श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ और इस वंश का संस्थापक श्रीगुप्त में था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त वन माना जाता है। गुप्त वंश में ही सर्वप्रथम चंद्रगुप्त ने ही रजत मतलब चांदी मुद्राओं का प्रचलन करवाया था और गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार समुद्रगुप्त ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पन स्थल भारत में नहीं है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, लोथल और कालीबंगन, बनावली और रोपण, लोथल और रोपण। करेक्ट आंसर बताइए इस क्वेश्चन का क्या होगा। इस क्वेश्चन का प्लीज राइट आंसर बताइए। कोशिश करिए यार आंसर देने की। श्यामू चौधरी जी का ए आंसर आया है। चलो भाई देख लेते हैं राइट आंसर। बिल्कुल सही है। 1 तारीख से आपको डेली, आज लास्ट है, 2 दिन क्लास नहीं होगी, कल ऐप पर होगी बेटा क्लास। बाकी आपको मान के चलिए 1 अक्टूबर से आपको डेली क्लास जो मिलेगी वो आपको मिलेगी 7:40 पर PM, जो आज स्टार्ट हुई। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग ने बताया नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? हेलो मोहसिन अहमद जी। बैरम खां अकबर, जसवंत सिंह औरंगजेब, अमीर खुसरो जहांगीर, अंबर मलिक हुमायूं। क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है, यस या नो तो बोलो कम से कम यार। बफरिंग तो नहीं हो रही है? गुड इवनिंग सबको। क्वेश्चन दिख रहे हैं ना? मेरे नेट में कुछ इश्यू दिख रहा है। आप लोग का नेट प्रॉपर चल रहा है और आप लोग को क्वेश्चन दिख रहे हैं? यस या नो प्लीज रिप्लाई। दिख रहा है ना? ओके। तीसरा, तीन तीसरा आंसर। तो बिल्कुल सही है, वेरी गुड भोला जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने दिया है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन का दरबारी कवि था। अमीर खुसरो चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह प्रथम भारतीय लेखक थे जिसने हिंदू शब्द एवं मुहावरों का प्रयोग किया। खुसरो द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या नाम थी? खजान उल फतोह ने अलाउद्दीन के 16 वर्ष के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। पहला वॉरेन हेस्टिंग, गुड इवनिंग अतुल गौरव जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। ओफो इतनी तेजी से वन वन कर रहे हो, पर राइट आंसर इज टू। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त सेवा आरंभ की। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम अली नगर में परिवर्तित किया था? कलकत्ता, आगरा, फिरोजपुर या फिर फतेहपुर? बताइए, सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम अली नगर में परिवर्तित किया था? कलकत्ता, आगरा, फिरोजपुर, फतेहपुर। फिरोजपुर। बाकी लोग भी तो आंसर दो।
ओके सो राइट आंसर इज सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने 1756 में ब्रिटिश शासन से फोर्ट विलियम जीतने के बाद कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया था। उसने इस नाम का चयन अपने दादा अली वर्दी खां के नाम पे किया था। अली वर्दी खां कब से कब तक के बंगाल के नवाब थे, वो आपके सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत ने थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक, भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे या थी? एनी बेसेंट, भूपेश चंद्र बनर्जी, रामप्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस। एयरमैन जीतराम चौधरी। जी सर, आंसर देते चलिए फटाफट सभी लोग। ए आएगा, आइए, बिल्कुल सही आंसर है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सर्वप्रथम 1875 में रूसी महिला मैडम एचपी ब्लावस्की एवं पूर्व ब्रिटिश सेना अधिकारी कर्नल एचएस ओलकाट द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। उनकी अंतः प्रेरणा के अंतर्गत थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया 1886 में अडियार मद्रास के अस्तित्व में आया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार के सक्रियता से नहीं जुड़े थे? तो प्लीज़ आप लोग राइट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग का आंसर आ रहा था, विशाल शर्मा भी आ गया, विकास मीना, भोला, व्हाट्सअप स्टेटस और नेचुरल वीडियो, श्यामू चौधरी, एयरमैन, सभी लोग आंसर देते जाइए बेटा। अगले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? थैंक यू। फोर्थ, फोर होगा, वन होगा। श्यामू जी वन कह रहे हैं और भोला जी फोर कह रहे हैं, कोई तो सही होएगा ही नहीं। ओके, फोर, फोर इज अ करेक्ट आंसर। सो भोला जी का बिल्कुल सही आंसर है, विकास मीना जी का बिल्कुल सही है। ठीक है, भारतेंदु, नहीं सुमित जी गलत हो गया, व्हाट्सएप जी बिल्कुल गलत हो गया, सुमित कुमार जी बिल्कुल गलत हो गया। भारतेंदु हरिश्चंद आधुनिक भारत के हिंदी के महान लेखक में से एक थे। उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य के साथ साथ हिंदी नाट्यशाला के जनक के रूप में जाना जाता है। वह एक प्रतिष्ठित कवि और हिंदी गद्य लेखन में विचारधारा का निर्धारण करने के वाले एक महत्वपूर्ण लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कोमा गाता मारू क्या था? एक सैनिक यूनिट था, एक बंदरगाह था, एक पोत था या फिर एक औद्योगिक नगर था? भोला जी, जो चीज अलाउड नहीं है, जो जिस चीज के लिए परमिशन नहीं है, वो चीज हम नहीं करेंगे। उसके लिए बेटा हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम आपको बताएं, हम इसमें कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकते, आई एम सॉरी। जो पूछना है टेलीग्राम चैनल पर पूछिए, क्या प्रॉब्लम है। टेलीग्राम पे टेलीग्राम चैनल होता है सर, टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आप ढूंढिए जीएस बाय संगीता मैम अनअकैडमी, आप मिल जाएंगे आपको। बिल्कुल सही आंसर है भोला जी, श्यामू जी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। कामागाटा मारू एक जापानी जहाज था। इस जहाज ने 1914 में आर्थिक प्रवासियों जो भारत में अपने जीवन स्तर से खुश नहीं थे के साथ हांगकांग के वैनकूवर की यात्रा की थी। हालांकि अधिकांश यात्रियों ने कनाडा में जहाज से उतरने की अनुमति नहीं दी गई और विवश होकर जहाज को वापस भारत लौटना पड़ा। क्लियर,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हो। ये क्या हो गया? थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एकदम आखिरी वाला वो दब गया। तो कहाँ पे थे? यहाँ पे थे ना, एंड दब गया था। 1937 में देशी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? सूरत, बॉम्बे, अहमदाबाद या फिर वर्धा? शैलेश रंजन, विकास मीना, मुकेश नेहरा, सुमित कुमार, एचपी क्लास, नजर, उत्सव जी। आ जाओ देख लेते हैं, प्रद्युमन यादव भी आ गए हैं। तो भोला जी का सही है, उत्सव जी का सही है, प्रद्युमन जी का सही है, बाकी भाई किसी का नहीं सही है, सॉरी। 31 जुलाई 1937 को गांधी जी ने हरिजन पे एक लेख लिखा, जिसके आधार पर अक्टूबर 1937 में एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया, और इस सम्मेलन को वर्धा शिक्षा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? नौआखली आंदोलन, तेभागा आंदोलन, पुन्नाप्रा वायलर आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन। करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? बेटा फटाफट बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से। वन वन टू वन, पर राइट आंसर इज 4, मुकेश नेहरा जी का बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड मुकेश नेहरा, बिल्कुल सही आंसर दिया है। ओके सबका गलत है। एक बार आप इसको प्लीज एक बार देख लीजिए, जल्दी से एक बार रीड कर लीजिए, एक जल्दी नज़र में रीड करिएगा, मेन मेन पॉइंट ही रीड करना है। सबसे कब हुआ, अधिक सक्रिय कब से कब के बीच में रहा, है ना? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? आयन मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बहिमंडल। आयन मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बहिमंडल। टू 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 टू, ओके सो करेक्ट आंसर इज 1।
नजर जी का बिल्कुल सही, प्रद्युमन जी का, आरती सिंह जी का, भोला जी का, बिल्कुल सही है प्रद्युमन जी का। ठीक है, आयन मंडल मध्य सीमा के ऊपर 80 डिग्री 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयन मंडल है। यहाँ पर उपस्थित गैस के कण विद्युत अवशोषित होते, आयन मंडल पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पृथ्वी पर वापस भेज देते हैं। ये देखिए आपके सामने है सारा पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दो सागरों या महासागरों के मध्य भूमि की एक संकीर्ण स्थल पट्टी को क्या कहा जाता है? द्वीप, डेल्टा, जल डमरू मध्य, लैगून। ओहो, अब टू तो आ गया, आप किसका टू दे रहे हो अभी? यही नहीं समझ में आ रहा मुझको, टू किसका दे रहे हैं आप? रामू जी का 3, भोला जी का 3, सुमित जी का 3, आरती जी का 3, प्रद्युमन जी का 3, केश जी का 2, सुमित कुमार जी का 2। राइट आंसर है 3। दो सागरों महासागर के मध्य भूमि एक संकीर्ण स्थल पट्टी को जल डमरू मध्य तथा दो बड़े भूभाग के बीच सक्रिय जल पट्टी को स्ट्रेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोजीला पास किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। जोजीला पास किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। जल्दी से बच्चा लोग फटाफट करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा। ओके, सो राइट आंसर इज 2। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर के जस्कर श्रेणी में स्थित, श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग इसी दर्रे से होकर जाता है और इसका निर्माण सिंधु नदी द्वारा किया गया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? ताप्ती, कृष्णा, कावेरी या फिर गोदावरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए बच्चा लोग क्या होगा करेक्ट आंसर। भोला जी का 1 आ गया, बाकी लोग टू टू वन वन टू टू वन, सो करेक्ट आंसर इज 1। शैलेश रंजन बिल्कुल सही, सुमित कुमार बिल्कुल सही, पूजा यादव बिल्कुल सही, नजर बिल्कुल सही, प्रद्युमन जी का बिल्कुल सही, अविनाश सिंह कुशवाहा जी का बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा ताप्ती माही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है? डिगबोई, असम, बॉम्बे हाई, मुंबई, नर्मदा नदी का डेल्टा, कृष्णा नदी का डेल्टा। भोला जी आपने दिया ना राइट आंसर, कहाँ दिया था मुझे भोला जी का राइट? हाँ भोला जी ने दिया था, ऊपर चले गए ना तुम स्क्रॉल करके तो मुझे दिख नहीं पाए तुम, सॉरी। फटाफट
जी बोला। चलो पहले राइट आंसर दे तब नाम लेते हैं। तो श्यामू जी बिल्कुल सही, ऑल इज वन बिल्कुल सही, नजर बिल्कुल सही, बस इतने लोग का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पादन की विकास दर नकारात्मक थी? तीसरी, दूसरी, पहली या फिर कोई विकल्प सही नहीं है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सिक्सटीन का वन आ रहा है सबका, आइए देख लेते हैं। क्या बात है यार, बिल्कुल सही आंसर सभी का सही है। तीसरी पंचवर्षीय का उद्देश्य अनाज में आत्मनिर्भरता पैदा करना और उद्योग और निर्यात की जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि करना था। योजना कुल उत्पादन के 30% की वृद्धि करने के लिए लक्षित था, लेकिन उपलब्धियां निराशाजनक थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 10वीं योजना का टाइम ड्यूरेशन 2002 से 2007, तीसरी का 66 to 71, प्रथम का 51 to 56। गलत है, सही नहीं है, बताइए 80 to 85। नजर, आरती सिंह, अविनाश, मुकेश सबका, सुमित सभी कॉलेज वन, श्यामू सबका सही था। इस क्वेश्चन का 17 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए बेटा। एक बार अन अकेडमी में तो पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक तो कर दो एटलीस्ट यार। ओके, करेक्ट आंसर इज 2, 2, 2, बिल्कुल सही है। शैलेश रंजन, पूजा यादव, बिल्कुल सही है। आपको पता होगा कि बीच में विफल कर दिया गया था, अवकाश घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर 61 to 66 थी और 62 के चीन भारत युद्ध का 1965 में गंभीर सूखे ने इस योजना को बुरी तरह विफल कर दिया था। ठीक, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य देश तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। शैलेश जी का सही हो गया। अगर मैं अच्छा पढ़ाती हूँ उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पर कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है पढ़ाती नहीं है, भोला जैसे लोग। सोच रहे एक दिन अपनी छोटी सी बेटी से पढ़वा दे तुम लोग को, उस दिन पक्का तुम लोग लाइक शेयर कर दोगे। ऐसा नहीं अनिकेत जी, 2022 बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि और संबंध क्षेत्रों में योजना तैयार करने और समन्वय करने के लिए सर्वोच्च ने क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य व्यापार निगम, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। चलिए इस क्वेश्चन का, थैंक यू सर, थैंक यू, राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। अच्छा, तुम लोग से एक क्वेश्चन पूछे, सही सही बताना, तफरी वाला क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर लेते। बच्चे कहते हैं मैम आप एंटरटेनमेंट नहीं करते। बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसा गाना, ऐसा कहावत तो सुनी। मैं पूछ रही हूँ उसका मतलब मैंने ऐसा किया है ये नहीं, मैंने देखा है लोगों को करते हुए, इसलिए मैं पूछ। क्या
कभी आप लोग किसी दूसरे की पार्टी में जिसको आप नहीं जानते, बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं ना हॉस्टल में, क्या उनकी शादी में खाना खाने गए हो और आप किसी को भी नहीं जानते हो और किसी ऐरे गैरे की शादी में पहुंच। तीसरा, नहीं, राइट आंसर वन वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है? मुझे भोला जैसी ही उम्मीद थी, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। लेकिन मजा अलग ही होता है। फोर्थ, बेटा याद रखो विनिमय दर हमेशा आरबीआई डिसाइड करती है, क्योंकि आरबीआई का काम है मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, आरबीआई इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन शामिल है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, या फिर किसी विशिष्ट सूची में। नमस्ते राजमाता की पालक, नमस्ते। समवर्ती सूची में। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल। पापा का हेलीकॉप्टर, पूजा और लिस्बन, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, समवर्ती सूची। और संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत 3 सूचियों का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्यों की जो व्यवस्था है वो की गई है 44वें संवैधानिक संशोधन में, 42वें संवैधानिक संशोधन में, 52वें संवैधानिक संशोधन में, या फिर 61वें संवैधानिक संशोधन में। आएगा, जब आएगा तब मिल जाएगा। जिम्मेदार आदमी हमेशा परेशान लगता है बेटा। सबका आंसर 42 आ रहा है। ओके, सो राइट आंसर इज 42, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 52 है दल बदल कानून, 44 है संपत्ति का अधिकार, और 61 है मतदान की उम्र 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। संविधान की अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? 22, 16, 8 या फिर 12? बताइए करेक्ट आंसर। थोड़ा सा गोबर लगा लिया था, गोरे हो गए थे। बाहर गोबर नहीं पड़ा होता गाय का, उसको हमने लगाया और फिर गोरे हो गए। लगा लेना थोड़ा सा। पहला ऑप्शन भोला जी, बिल्कुल सही। नजर जी, बिल्कुल सही। विकास ठाकुर जी, बिल्कुल सही। ऑल इज वन, बिल्कुल करेक्ट। उत्सव जी, बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल। 22 भाषाएं सूचीबद्ध हैं, एक बार आप देख लीजिए। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोंडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। पतले तो हैं भाई, क्या करें। भारतीय भूमि पर निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार एक विदेशी नागरिक को भी प्राप्त है?
ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, प्लीज सभी लोग आंसर बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मैंने बिल्कुल इग्नोर नहीं किया। चलो राइट आंसर तीसरा, तो इस बार तो सबका भोला जी का सही हुआ, बाकी सबका गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, जैसे कि पैसों का दुरुपयोग या चुनिंदा लोगों की तरफदारी करना, ग्राम सभा, जिला कलेक्टर, सरपंच या फिर सचिव। आग लगा दो आंसर देकर। चलो बताओ भाई इस क्वेश्चन का 25th का करेक्ट आंसर बताना है, जल्दी से बताओ। राहुल रावत जी, मेरी डेली क्लास होती है, लेकिन डेली हो रही थी लेकिन कल 29 और 30 को क्लास नहीं होगी क्योंकि इस दिन हमारी ऐप पर क्लास होगी। सो अगर आपने ऐप वाली क्लास लेनी है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर क्लास होगी कल। ओके, तो वहां पर होगी क्लास 2 दिन, उसके बाद 1 तारीख से 1 अक्टूबर से डेली आपको 7:40 पर मैं मिलूंगी, PM डेली। तो राइट आंसर इज 1, एंड 1 किसी का आया? नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया। ऐप पर सुबह 7:30 बजे होगी, दूसरी क्लास आपकी 11 बजे है और तीसरी रात में 8 बजे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उदासन काल किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की चमक, फोटोग्राफर के कौशल, पदार्थ की निकटता, पदार्थ का आकार। वेरी गुड पापा हेलीकॉप्टर, मैंने आपका देखा है। मैंने क्या कहा, इतनी तेज स्क्रोल होते हैं, कोई बात नहीं। यानी के सिंह जी, अब इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ बताइए। मैंने आपसे बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये है कि पूरा फोकस सिर्फ एक स्टूडेंट पे दिया जाए। बेटा आप क्लास में नहीं बैठे हो, आप लाइव क्लास ले रहे हो, आप लोग के सिर्फ कमेंट्स मुझे दिखते हैं और वो भी इतनी स्पीडली आगे बढ़ते चले जाते हैं कि कभी कभी मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, और मैं क्या कोई भी नहीं पढ़ पाता होगा इसमें नाराजगी। हम तो पढ़ने आए यार, मेरा मेन मुद्दा होना चाहिए क्वेश्चन आंसर। 4, सो राइट आंसर इज 1, 1 इज अ करेक्ट आंसर। किसी का भी नहीं आया भाई, विकास मीना जी का आया है बस, विकास मीना जी का आया है, और किसी का आया है? देख ले भाई, नहीं तो कहोगे नहीं आया। नहीं, किसी का भी नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? परावर्तन, अपवर्तन, लघु उत्तर तरंग दैत्यों का प्रकीर्णन या फिर विखंडन। हे भगवान यार, तुमको जो सोचना है सोचो। ओके, सो करेक्ट आंसर इज 3। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह कणों और गैस सबसे टकराता है और चारों ओर बिखर जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा बैगनी, आसमानी और नीला सबसे ज्यादा बिखरते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 21%, 25%, 30.5% या फिर 18%। बताइए, मुकेश, ऑलिजवान, विकास, अनिकेत, भोला, पूजा और पापा का हेलीकॉप्टर, शैलेश रंजन, मुकेश नेहरा, मधु सावन, नजर, उत्सव, सभी लोग आंसर दीजिए।
सबका आंसर जो आ रहा है 21 भी आ रहा है और एक लोगों का आंसर 30.5 आ रहा है। पापा का हेलीकॉप्टर, भोला जी का भी तीसरा ही आ रहा है। अच्छा विकास जी का भी तीसरा आया है, बट राइट आंसर इज 21.21। ओके सो करेक्ट आंसर, जैसे नजर जी का बिल्कुल पहला ऑप्शन इज अ करेक्ट है, बिल्कुल ये आपके सामने लिखा हुआ है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसने की थी? जोसेफ फ्यूलर, अब्दुल कलाम, एमएस स्वामीनाथन या फिर रेचेल कार्लसन। ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसने की थी? जोसेफ फ्यूरियर, अब्दुल कलाम, एमएस स्वामीनाथन या फिर रेचेल कार्लसन। करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा जल्दी से। ए बुग्गू की कसम, आ जाओ, ए बुग्गू की कसम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तालाबों और कुएं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है? घोंघा, केकड़ा, डॉग फिश या फिर गैम्बूसिया फिश। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइए। आ जाओ देख लेते हैं, फोर बिल्कुल, शैलेश जी फिफ्थ, भोला जी बिल्कुल सही है, श्यामू जी बिल्कुल सही है, मधु जी बिल्कुल सही है, ओके बिल्कुल सही है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू की है? पंजाब, गुजरात, झारखंड या फिर बिहार। किस निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू की है? पंजाब, गुजरात, झारखंड या फिर बिहार। बताओ बेटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। टू होगा, देख लेते हैं क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर है, देख लीजिए, दिन की बिजली दिन में उपयोग। गुजरात सरकार ने सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की है। इसके तहत किसानों को सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक बिजली की सप्लाई किए जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार ने 2023 तक इस योजना के तहत पारेषण और संरचना स्थापित करने के लिए 3500 करोड़ रुपए के बजट का आवंटित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के विशेष आंकड़ों के आधार पर हैनली एंड पार्टनर्स द्वारा जारी हैनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? 55वीं, 85 या फिर 67 या फिर 72वीं। बताओ बेटा आंसर। लालो आंसर बताओ भाई। दो आ रहा है, भोला जी का तो लगातार दो आया है ना, शैलेश जी का 1 आया है। आ जाओ देखते हैं पहले राइट आंसर। 2, हैनली एंड पार्टनर्स ने हैनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी किए, जिसमें दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट की रैंकिंग दी है, जहां उनके धारक बिना पूर्व वीजा के जा सकते हैं। ओके
जापान ने लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, उसके बाद सिंगापुर और फिर दक्षिण कोरिया। ठीक है, बिल्कुल। और सबसे खराब की बात करोगे ना तो आपका सीरिया, इराक और अफगानिस्तान है। किसने 46वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडन, या सोनिया सोतोमयोर, या फिर कमला हैरिस? बताइए बेटा राइट आंसर क्या होगा। चलो फटाफट आंसर बताओ। हाँ भैया, मेरे गलत होने का सवाल उठता ही नहीं, तुम्हारा मान गए, कैसे माने? और ओके, 53 का 2 आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है, सबको पता है, ये तो गलत होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। किसने भारतीय सेना के साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी मिशन पिस्टल ASMI विकसित की है? नासा, इसरो, HAL, DRDO? अरे पापा मान गए भोला जी, इसका आंसर तुरंत नेट पे मिल जाता है, इसलिए कि तुम पढ़ते बहुत हो, इसलिए दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। थर्टी नाइन का 4, DRDO। ओके, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर के मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है? किस शहर के मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है? जल्दी बताइए। ओके, सो राइट आंसर इज 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने रूपीफाई और वीजा के साथ साझेदारी में MSME के लिए रूपी बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, या फिर यस बैंक? किस बैंक ने रूपीफाई और वीजा के साथ साझेदारी में MSME के लिए रूपी बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? बताइए, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, या फिर यस बैंक? करेक्ट आंसर बताइएगा। बाप रे बाप, भोला जी तो लगातार दूसरा आंसर देने में लगे हैं। 41 का 2। सो राइट आंसर इज 1। क्या बात है, 1 करेक्ट है, एक्सिस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 91 मतलब 51वें IFFI ने किस फिल्म में ने गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता है? द साइलेंट फॉरेस्ट, इनटू द डार्कनेस, आई नेवर क्राई, कॉमन कॉलिफ, फरवरी? अच्छा पहले ही बता दिए, ये गलत हो सकता है। टू, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है? सुनीता भंडारी, सुनीता नारायण, राजेंद्र कुमार भंडारी, या फिर राजेंद्र नारायण? नीरज विक्रम सिंह, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है? सुनीता भंडारी, सुनीता नारायण, राजेंद्र कुमार भंडारी, या फिर राजेंद्र नारायण? सो राइट आंसर इज, राइट आंसर इज थर्ड, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष CEO का कार्यभार किसने संभाला है?
रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ का कार्यभार किसने संभाला है? श्री संजीव चरण, श्री सुनीत शर्मा, श्री अभिजीत मिश्रा, श्री भास्कर भूषण। मधु, नजर, नीला, नीरज, भोला, मुकेश, शैलेश, पूजा, सभी लोग आंसर दीजिए। विकास, मीना, सबका टू आ रहा है। आइए देखते हैं। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल। देख लीजिए, शक्ल भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटलांटिक पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला का क्या नाम है? जैस्मीन प्रीत, प्रीत हैरिसन, जैस्मीन हैरिसन, या फिर इनमें से कोई नहीं। अटलांटिक पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला का क्या नाम है? जैस्मीन प्रीत, प्रीत हैरिसन, जैस्मीन हैरिसन, या फिर इनमें से कोई नहीं। थ्री 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 थ्री, राइट आंसर इज थ्री। देख लीजिए कितनी खूबसूरत महिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आमेर का किला किसने बनवाया था? अकबर, राजा मानसिंह, उदय सिंह, महाराणा प्रताप। चलो आ जाओ, आमेर का किला किसने बनवाया था? अकबर, राजा मानसिंह, उदय सिंह, या फिर महाराणा प्रताप। टू आ रहे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलितजर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? गोविंद बिहारी लाल, संघमित्रा कलिता, झुंपा लाहिड़ी, गीता आनंद, बताइए। पुलितजर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए चलो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए भाई। पुलितजर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? गोविंद बिहारी लाल, संघमित्रा कलिता, झुंपा लाहिड़ी, या गीता आनंद। जाओ भाई, आ रहा है तो करेक्ट आंसर इज वन, नॉट कि टू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सौरा पेंटिंग ओडिशा, बाग पेंटिंग मध्य प्रदेश, फंड पेंटिंग राजस्थान, गुलेर पेंटिंग कर्नाटक। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बताओ क्या होगा। चंद्रपाल भी जी आ गए। ओके, सो राइट आंसर इज फोर, गुलेर चित्रकला, कांडला, हिमाचल प्रदेश संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गुरुचरण दास, शशि थरूर, रतन टाटा, या फिर एस आर नारायण मूर्ति। बेटा टेलीग्राम का जीएस बाय संगीता मैम अन एकेडमी सर्च कर लेना, मिल जाएगा। करेक्ट आंसर बताइए, टू आ रहा है, बिल्कुल गलत है, फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर है सबका। ओके, अ बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड एन आर नारायण मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी?
इटली, बेल्जियम, हंगरी या फिर यूनान? बताइए, गांधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी? इटली, बेल्जियम, हंगरी या फिर यूनान? ओके, सो राइट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। ओके ओके, क्लियर, सबका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा या फिर पश्चिम बंगाल? भगवान करे आपको हर क्लास में मजा आए, बस एक मजा नहीं मिल पाएगा। बहुत ज्यादा इंटरटेनमेंट मुझसे नहीं होता, इंटरटेनमेंट तब होता है, देखो मैं आपसे फेक हंसी हंसू तो वो मुझसे हो नहीं पाएगी। सीधा से मतलब समझो, आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपको पर्सनली जानती हूँ या आपकी एक्टिविटी देखती हूँ, तो मैं आपसे हंसी मजाक कर भी सकती, बहुत करती थी मैं अपने ऑफलाइन क्लास में। पर यहाँ पे हम लोग सिर्फ डिस्कशन करने के लिए मिलते हैं, कैसे हंसी मजाक करें, है ना? राइट आंसर थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब जैसे इनको देखो, करेले की सब्जी खाई नहीं जाती, वो बोलती है बाबू तुम नहीं मिले तो जहर खा लूंगी। तुम मिल जाओ भाई उनको, मुझे क्या पता, तुम करो जाके मैम का क्लास, मैंने तो तुम्हें रोका नहीं यहाँ पे। रोका? अफगानिस्तान सार्क ने किस वर्ष शामिल हुआ था? 2007, 2008, 2005, 2006? बताइए। जल्दी से लास्ट में आओगे, कहोगे मजा नहीं आ रहा है। तीन क्वेश्चन बचे। राइट आंसर 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भांड पाथे पांथे पाथे रंगमंच मुख्य रूप से भारत के निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है? दादर नगर हवेली, गोवा, जम्मू कश्मीर या फिर केरल? राइट आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चंद्रपाल जी, श्यामू जी, शैलेश, पापा का हेलीकॉप्टर? नो डाउट, हमने तो कुछ कहा ही नहीं। बोला जी आप मुझे सफाई क्यों दे रहे हो बेटा? जितने भी एजुकेटर्स पढ़ाते हैं यहाँ पर सब एक से एक है, ठीक है? हमने कभी आपसे नहीं कहा होगा कि सबसे बेस्ट हम हैं या दूसरा नहीं है। ओके बोला जी, राइट आंसर इज थ्री ना कि वन। भांड पाथे कश्मीरियों का सदियों पुराना पारंपरिक लोक मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? चट्टगांव, फरीदपुर, राजशाही, ढाका? मैं क्यूट हूं नहीं पता, पर मेरी बेटी बहुत क्यूट है। इतना ही कहा था कि बरसों से प्यासा हूं तेरे प्यार में सनम, उसे मुंह में पाइप डालकर मोटर चढ़ा दी मरते मरते। तुम यही सब लिखने आते हो, तुम कुछ अच्छा कमेंट लिख लिया करो, कुछ पढ़ाई लिखाई वाला लिख लिया करो पप्पा मेरे। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? खान अब्दुल गफ्फार खान, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, बलदेव सिंह? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।
बलदेव जी को फोर्थ ऑप्शन आ रहा है, मोस्टली लोग का फोर्थ ऑप्शन आ रहा है। ओके सो राइट आंसर विद फोर्थ, वेरी गुड। तो ये थे आपके क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे हों, और इसलिए वीडियो को लाइक शेयर तो बनता है। थैंक यू सो मच क्लास, चैनल को सब्सक्राइब ना करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करना। अब हम आप लोग को 1 अक्टूबर को मिलेंगे 7:40 PM पर नए क्वेश्चंस के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके थैंक यू बेटा। ओके बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन। ओके नहीं आएगा तुम्हारे जैसे लोगों को मजा, हम दे भी नहीं पाएंगे, सॉरी। ओके सो बाय बाय, टेक केयर।